नमस्कार लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 4 जून यानी कि कल जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है और बता दें कि इसको लेकर जो छात्र एग्जाम देने सेंटर पर पहुंच रहे हैं उनके लिए कई दिशा निर्देश जो है वो भी दिए गए हैं। यह एग्जाम शिफ्ट में लिए जाएंगे और पटना सहित 9 शहरों में परीक्षा सेंटर जो है वो भी बनाए गए हैं। COVID-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका भी ख्याल छात्रों को रखना होगा, लेकिन वही छात्र जब सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो सेंटर पर पहुंचने से पहले कई सारी चीज़ें जो है वो आप जान लें कि इस बार क्या क्या चीज़ें जो है वो रखी गई है, किन किन नियमों का पालन आपको करना होगा। साफ तौर से आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्ट में होने वाले हैं, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और वहीं दूसरे शिफ्ट जो है वो 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली है। वहीं एडमिट कार्ड में इस साल अलग अलग क्या है, सभी स्टूडेंट्स को पेपर 1 7 बजे परीक्षा सेंटर पर रिपोर्ट करने को कहा गया है, और वहीं पेपर 2 के लिए दोपहर 2 बजे लॉग इन कर सकेंगे। परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों को पारदर्शी बोतल में पानी ही ले जाने की अनुमति जो है वो दी गई है, और वहीं पेन और पेंसिल लाने की अनुमति दी गई है। जो भी छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ में लेकर नहीं जाना है, और वहीं जो भी छात्र एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं वो जूतों के जगह पर चप्पल और सैंडल का ही प्रयोग करना उनके लिए अनिवार्य होगा। वहीं यह भी बता दें इस साल 2 पेज का एडमिट कार्ड जो है वो दिया गया है। पहले पेज में स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, और साथ में डिक्लेरेशन पर स्टूडेंट्स को स्वयं अपने जो माता पिता या फिर अभिभावक है उनके हस्ताक्षर करवाने होंगे, और ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। स्टूडेंट्स के प्रवेश पत्रों पर दिए गए बारकोड को बारकोड रीडर के माध्यम से पढ़कर परीक्षा सेंटर पर उन्हें एंट्री पॉइंट पर उन्हें दिखाना होगा, और तब उन्हें लैब जो है वो आवंटित किया जाएगा। तो ये तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो छात्रों को दिया गया है। परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंच रहे हैं जरूर रखें क्या क्या चीज़ें जो है अपने साथ लेकर जाने हैं वो भी आप समझ लें। और बता दें कि 4 जून को एडवांस का एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, और वहीं 9 जून को कैंडिडेट की रिस्पांस सीट जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी, और प्रोविजनल आंसर की का ऑनलाइन डिस्प्ले भी 11 जून को कर दिया जाएगा। 11 से 12 जून को प्रोविजनल आंसर की पर कैंडिडेट्स अपनी आपत्ति जो है वो जता सकते हैं, और फाइनल आंसर की और रिजल्ट 18 जून को जारी किया जाएगा। और इस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो 19 जून से भी शुरू हो जाएगी। तो कल जो छात्र एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच रहे हैं, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। सुबह 9 बजे से एग्ज़ाम जो है वो होगा, और फिर दूसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो छात्र सेंटर पर जाने से पहले जान लें कि अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।